मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, जहां एक पत्रकार देश के मुद्दों पर बात करता है, जनता के इश्यूज को सामने लाता है। ये जंग होती तो जनता और सरकार की है, पर जनता की आवाज ये पत्रकार बनता है। लेकिन क्या सच में अब पत्रकारिता वो रह गई है जिसकी हम और आप बात कर रहे हैं? आज के वक्त में चैनल की TRP और सरकार के इवेंट्स का शो बनकर रह गई है मीडिया। आज मोदी जी काशी में हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए कार्यक्रम बढ़िया तैयार है। वहीं मीडिया का रोल देखिए, मीडिया का काम जानकारी देना है, ना कि पूरा इवेंट ही बना देना। देखिए मीडिया मोदी जी के इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी कैसे कर रही है, जहां पब्लिक की लैंग्वेज में कहें तो गोदी चैनल कैसे बोर आ गए हैं, वो भी आज से नहीं कल शाम से, जहां मीडिया लोकतंत्र की हर रोज हत्या करता है। मीडिया निष्पक्ष होती है, जो सिर्फ जनता का ही हित सोचती है। पर देखिए मीडिया कैसे BJP के इस कार्यक्रम को चुनावी इवेंट बनाती है। अगर हम अखबारों की बात करें तो अखबारों में हमेशा सरकारी विज्ञापन, जनता को सरकारी नीति, योजना या किसी फैसले के बारे में जागरूकता के लिए छपते हैं। लेकिन आज हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में फ्रंट पेज पर बड़े बड़े सरकारी विज्ञापनों की भरमार है। आपने कहीं देखा होगा कि किसी सरकार में मंदिर के उद्घाटन के लिए एक एड छपा हो, वो भी फ्रंट पेज पर इतना बड़ा बड़ा। ये इवेंट नहीं तो क्या है, जहां मंदिर के भव्य द्वार से तो बड़ा मोदी जी का फोटो ही है। और इन एड का पैसा आया तो सरकार यानी टैक्स पेयर से ही है, जो गजब फिजूल खर्ची में से कैसे खर्च किया जा रहा है। किसी धार्मिक नगरी का अगर विकास होता है, उसके पर्यटन के लिए और बेहतर बनाया जाता है, वहां रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, ये बेहद ही अच्छी बात है। लेकिन आस्था को राजनीति से जोड़ना ये एजेंडा सही नहीं है। देखिए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का ये ट्वीट। वैसे तो अच्छे कामों के लिए इतनी पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर देखिए मीडिया को कैसे कब से मोदी जी के इंतजार में पलके बिछाए बैठी है। मोदी जी के काशी आगमन के लिए गोदियों की फौज कल शाम से ऐसा माहौल बनाए हुए है मानो क्या हो गया हो। मोदी जी आएंगे, मोदी जी घाट पर पहुंच गए, मोदी जी के स्वागत के लिए काशी से ज्यादा मीडिया इंतजार कर रही है, जहां इस लाइन ने मानो दर्शकों के कान से खून निकाल दिया हो कि देखो पूरा काशी मोदी में हो गया है। टीवी तो टीवी, ट्विटर पर भी मीडिया ने माहौल बना रखा है। देखिए मीडिया के उभरते पत्रकार सुशांत सिंह ने ट्वीट किया, काशी विश्वनाथ धाम में दूर दूर से आए लोग क्या कह रहे हैं, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया। मतलब कौन सा चमत्कार, मोदी जी को तो चमत्कारी बाबा ही बना दिया आपने। वहीं चित्र त्रिपाठी ने तो पूरा का पूरा श्लोक ही लिख डाला। आज तक से दूरदर्शन गई रिपोर्टर रीमा पार्शक कहती हैं, इतिहास का साक्षी बनाने के लिए शुक्रिया महादेव। वहीं देश के सर्वश्रेष्ठ चैनल आज तक ने ट्वीट किया कि बाबा विश्वनाथ का भव्य द्वार PM का इंतजार, जिस पर कटाक्ष करते हुए RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि हेडलाइन देखिए, बाबा विश्वनाथ का भव्य द्वार PM का इंतजार, हे शिव आपको भी इंतजार करना पड़ रहा है। दोस्तों आप और हम बेहतर जानते हैं कि मीडिया जो भी दिखाती है उसकी एक छवि जनता के दिमाग पर पड़ ही जाती है। मीडिया में इतनी पावर होती है, पर अफसोस हमारी मीडिया इस पावर का कैसे इस्तेमाल करती है। अब मीडिया जनता के लिए नहीं सरकार के इवेंट्स और पब्लिसिटी का काम करने में डटी हुई है।